हेलो बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट SS नागरिक शास्त्र का हम चैप्टर कर रहे हैं 7 विज्ञापनों को समझना। कल हमने विज्ञापन के विषय में किया है कि किस प्रकार जो है जो उपभोक्ता को भ्रमित करने के लिए, उपभोक्ता को जो है अपनी ओर खींचने के लिए निर्माता किस प्रकार जो है विज्ञापन का सहारा लेते हैं। तो आज हम करेंगे ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य। आज की दुनिया में विज्ञापन हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के मुख्य अंग है, तो उसके विषय में पढ़ेंगे। वो सामने ऊपर दो विज्ञापन दिए गए हैं, टॉप टेस्ट दाल और जो है एक और जो शो योर चाइल्ड योर केयर, ये सब जो है विज्ञापन दिए गए हैं। तो दोनों किस प्रकार के कार्य करते हैं? खुली मिलने वाली दालों को दालों की कीमत ब्रांड वाले दालों की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल होता है। बहुत से लोग उन्हें खरीद भी नहीं पाते हैं, तो विज्ञापन की वजह से यह सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद वे अतिथियों का सत्कार बहुत अच्छी तरह नहीं कर रहे। धीरे धीरे विश्वास करने लगते हैं कि ब्रांड वाली दालें ही अच्छी होंगी, तो इस प्रकार से वो जो है बंद पैकेट वाली दाल जो है खरीदते हैं। तो खुली दाल और बंद पैकेट वाली दालों में विशेष अंतर नहीं होता, केवल विज्ञापन के द्वारा ही हम यह अंतर मानने लगते हैं। केयर सॉप के विज्ञापन में भी बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करते हुए एक माँ को दिखाया गया है। यदि आप एक अच्छी माँ के रूप में दिखना चाहती हैं तो आपको यह साबुन खरीदना पड़ेगा, इस प्रकार से बताया जाता है। तो विज्ञापन ने बच्चे के प्रति माँ की चिंता को इस्तेमाल किया है, तो इस कारण माता यह महसूस करती हैं कि इस साबुन का प्रयोग करना एक संकेत है कि वे अपने बच्चे से कितना अधिक प्यार करती हैं। तो इस प्रकार जो है निर्माता है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के जो है विज्ञापन दिखाते हैं, ताकि जो उपभोक्ता है उस वस्तु को अवश्य 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 खरीदे। तो उनके मन में जो है ये चिंता हो जाती है कि हम यह चीज़ नहीं खरीदेंगे तो यह प्रभाव हम पर पड़ेगा। विज्ञापन प्राय हमारे लोकप्रिय अभिनेता हैं, क्रिकेट स्टार, कोई भी इस प्रकार से मनपसंद नायक है, तो वो ही हमें खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विज्ञापनों के आधार पर केवल उत्पाद खरीदते नहीं, बल्कि ब्रांड उत्पादकों का उपयोग करने से हम अपने मित्रों परिवारों के तरह जो है अलग उनके बारे में सोचने लगते हैं कि हमने ये चीज़ खरीद ली है, हम ब्रांडेड चीज़ खरीदते हैं, तो हम जो है हमारी जीवन शैली जो है उसमें अंतर दिखाई देता है, हम अमीर है, इस प्रकार की जो है हमारी सोच हो जाती है। फिर है विज्ञापन कैसे बनाया जाता है। विज्ञापन का किसी विशेष ब्रांड की वस्तुओं के लोगों द्वारा खरीदने में विशेष योगदान होता है, यह बात आसान नहीं है। इस पर कई पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं। एक विशेष ब्रांड की वस्तुओं को लोगों द्वारा खरीदा जाना ही विज्ञापन का उद्देश्य है। विज्ञापन देखने के बाद हमें उस ब्रांड की वस्तु खरीदने की चाहत हो। अब देखते हैं कि विज्ञापन कैसे बनता है। ये चित्र आपके सामने भी बने हुए हैं, इसमें प्यार भरा साबुन है, जैसे इस प्रकार के जो चित्र हैं बने हुए हैं। ये नेक्स्ट में भी जो है बने हुए, नेक्स्ट पेज पर भी, कि विज्ञापन और लोकतंत्र। फिर नेक्स्ट है विज्ञापन और लोकतंत्र। एक लोकतंत्र समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंधी विषयों से जुड़ जाते हैं। करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च होते हैं। विज्ञापन बनाना, उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा है, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन हैं, बहुत सारे हर एक वस्तु है, जितने भी वस्तु हैं उसके ही विज्ञापन हैं। हर कोई जो है निर्माता ये चाहता है कि हमारी वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो कैसे बिकती है? विज्ञापन के द्वारा। तो यह बात स्पष्ट है कि विज्ञापन केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही दे सकती हैं। यदि आप छोटे व्यापारी हैं जिनके पास इतना धन नहीं है, तो विज्ञापन टीवी या बड़े समाचार पत्र पत्रिकाओं में नहीं दे सकते हैं। तो जो लोग घर पर अचार है, जैम है, मिठाइयाँ बनाते हैं, वे विज्ञापन नहीं दे पाते, तो उनको ब्रांडेड उत्पाद ही नहीं माना जाता। इस प्रकार जो हम कई बार यह विश्वास करने लगते हैं
कि ब्रांड नामों वाली पैकेट बंद वस्तुएं बिना पैकिंग की गई वस्तुओं से बेहतर होती है, पर यह भूल जाते हैं हम कि उत्पाद की गुणवत्ता उसकी पैकिंग से कोई खास संबंध नहीं है। लोगों के पैकिंग युक्त उत्पादों की ओर आकर्षित होने से बहुत से छोटे छोटे व्यवसायी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और अपनी जीविका को छोड़ने के लिए विवश होते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है, जो लोग घर पे कार्य कर रहे हैं वो अपनी ऐड या विज्ञापन टीवी पर नहीं दे पाते तो उनका व्यवसाय इतना नहीं चलता है, तो कई बार मजबूरी में अपना वो कार्य छोड़ देते हैं। तो लोकतंत्र में सभी लोग समान होते हैं, तो उन्हें सम्मानीय जीवन जीने का अवसर भी मिलना चाहिए, मिलता है। तो विज्ञापन गरीबों के सम्मान के एक प्रकार की कमी जरूर करते हैं कि उनकी जो है इस विज्ञापनों के द्वारा उनके सम्मान में कमी आती है, क्योंकि वो अपना जो है उत्पाद बेच नहीं सकते, उनके चेहरे विज्ञापनों में नहीं दिखाए जाते, इसीलिए हम उनके जीवन को कोई महत्व नहीं देते। तो विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारता है। कई बार लोग विज्ञापित वस्तु नहीं खरीद पाते, तब उन्हें बहुत बुरा भी लगता है कि हम जो है ये ब्रांडेड चीज़ नहीं खरीद पाते हैं, तो अपने प्रिय लोगों का वैसा ख्याल रखने में वो असमर्थ भी दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी साबुन की ऐड के विषय में आपने पढ़ा है, तो वो माँ एक जो गरीब है वो उस चीज़ को नहीं खरीद पाती, तो उसके मन में ये होता है कि भाई मैं अपने बच्चे का सही ढंग से ख्याल नहीं रख पाती। तो विज्ञापन हमारा ध्यान धनी और प्रसिद्ध लोगों पर केंद्रित है, तो इससे विज्ञापन हमें भेदभाव, आत्मसम्मान और गरीबी आदि के बारे में भी सोचने से परे हटा देते हैं। तो इन बातों का सम्मान किए बिना, सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती। उत्पादों को बेचने के अतिरिक्त विज्ञापन हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षा का स्वप्न कैसे हो। तो ये सब जो है ये हमें जो विज्ञापन बताते हैं। तो लोकतंत्र समाज का नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों से पड़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में सजग रहना आवश्यक है, कि हमें अपने आप ये निर्णय लेना चाहिए कि जो है हमारे लिए ये वस्तु आवश्यक है या नहीं है, सही है या नहीं है। ये जो है विज्ञापन के विषय में हमें सोचना चाहिए, किसी भी वस्तु के विषय में हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें, कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।